हैशटैग मीटू मूवमेंट पर काफी जोर दिया जा रहा है। एक एक करके बॉलीवुड के काफी सारे स्टार्स की असलियत सामने आ रही है। नाना पाटेकर के बाद अब डायरेक्टर साजिद खान पर भी यौन शोषण का आरोप लग गया है। बता दें कि जहां एक तरफ साजिद खान हाउसफुल 4 को डायरेक्ट कर रहे हैं, तो वहीं नाना पाटेकर भी इस फिल्म में नजर आने वाले हैं। हाल ही में हमने आपको बताया था कि अक्षय और साजिद नाडियाडवाला ने साजिद खान को हाउसफुल 4 से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। वहीं अब इस मामले को लेकर अक्षय ने ट्वीट किया है और लिखा है, मैं बीती रात ही देश में पहुंचा हूं और सामने आ रही खबरों को पढ़कर मैं काफी डिस्टर्ब हुआ हूं। मैंने हाउसफुल 4 के निर्माताओं से कहा है कि जब तक इस मामले की पूरी तरह से जांच नहीं हो जाती है, तब तक फिल्म की शूटिंग रोक दी जाए। ये मामला ऐसा है कि जिस पर कार्रवाई की आवश्यकता है। मैं किसी भी अपराधी के साथ काम नहीं करूंगा। जिनके साथ उत्पीड़न हुआ है, उन्हें न्याय जरूर मिलना चाहिए। तो देखा आपने, अब अक्षय भी इस मामले में कूद पड़े हैं। वेल, देखने वाली बात तो अब ये होगी कि अक्षय की फिल्म हाउसफुल 4 दोबारा कब शूट होती है। वैसे आपको क्या लगता है, अक्षय को ऐसी हरकत करने वाले स्टार्स के साथ काम करना चाहिए या नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और बॉलीवुड से जुड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ।